यहाँ से फ्रेजल वर्ब्स तो ख़त्म हो गई हैं, अब हम कुछ शब्द जो रह गए थे बाकी उनकी चर्चा करेंगे। क्लास नंबर 196, आज का पहला क्वेश्चन है एबनिगेशन। एबनिगेशन का मतलब होता है त्याग देना। एक शब्द होता है रिनाउंस, रिनाउंस से बन जाएगा इसका रनन्सिएशन, रनन्सिएशन। तो एक तो सिनोनिम इसका ये बन जाएगा। फिलहाल आंसर पहला है। एक्सेप्टेंस बनेगा एंटोनिम, और एब्सटीमियस का मतलब होता है परहेजी, थोड़ा कम खाने पीने वाला, तो इसके लिए सिनोनिम बन जाएगा टेम्परेट। और एंटोगनिज्म का मतलब होता है दुश्मनी, यानी कि इसके लिए बन जाएगा एनमिटी। इतना नोट करें आप। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, माय अंकल क्लेम्स, मेरे चाचा ये दावा करते हैं कि दोज दैट, वो लोग जो ब्लैंक देयर स्टेटस इन द आईज ऑफ अदर्स, जो दूसरे व्यक्तियों दूसरों के सामने अपनी स्टेटस बढ़ाते हैं, एंड अप लॉसिंग, उनकी वो भी हैसियत ख़त्म हो जाती है जो कुछ उनके पास होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति दूसरों की नज़रों में अपनी स्टेटस बढ़ाना चाहता, बहुत अच्छा बन के दिखाना चाहता, तो वो भी खो देता जो उसके पास होता। एग्रेंडाइज का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ावा देना किसी चीज़ को इस टाइप से। एसुएज का मतलब होता आराम पहुंचाना। एब्डिकेट का मतलब त्यागना होता। एब्रोगेट का मतलब होता है वंचित कर देना, अधिकार छीन लेना, पाबंदी लगा देना। आंसर दूसरे का दूसरा। फिर तीसरे पे जाएंगे, इफ़ यू टॉक अलाउड, टॉक आउट लाउड, एक बहुत बढ़िया चीज़ मिल रही है यहाँ पे। इसे देखो आप, देखो अगर कहीं पे टॉक है और इसके बाद में लगाना है तो ये बनेगा लाउडली। अगर कहीं पर रीड है और इसके बाद में लगाना है तो लगेगा लाउडली। ग्रामर सिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे मैं, बढ़िया है ये। लेकिन अगर कहीं पर टॉक और फिर आउट आ जाए तो बच्चों अब आप कुछ नहीं करोगे, अब आउट लाउड होता। ये फ्रेज है पूरी, एक है मीनिंग वही तेज बोलना, लेकिन ये यहाँ पे लाउडली नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। ऐसी ये है रीड आउट लाउड, नोट कर लेना किसी को चाहिए हो तो। ये पता नहीं कहाँ से कौन सा नंबर आ जाए, तो टॉक लाउडली, रीड लाउडली, लेकिन आउट आएगा तो लाउड होगा, नोट कर लेना इसे। अगर तुम क्लास में तेज बोलते हो तो मैं तुम्हारा ये अधिकार छीन लूँगा, एब्रोगेट कर दूंगा तुम्हें, मैं अधिकारों से वंचित कर दूंगा कि तुम्हें कहाँ बैठना है। एक्लाइमेटाइज का मतलब होता है अनुकूल बनाना, किसी वातावरण के अनुकूल ढाल लेना अपने आप को। एसर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, फाइंड आउट करना। और एलिविएट का जो सिनोनिम होता है वो होता है एसुएज। तीसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। फिर चार नंबर पे है एज्योर, ये जो नीला सा आसमान होता है इसी को बोलते हैं बच्चों, स्काई ब्लू। अच्छा इस पे ध्यान दो आप, जेट ब्लैक, जब हम कहीं पे जाते हैं कपड़ा मांगते हैं ना, जेट ब्लैक दो, तो जेड ब्लैक मत कहा करो, वो जेट ब्लैक होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा काला। फिलहाल एज्योर का सिनोनिम बन जाएगा स्काई ब्लू। बैटन का मतलब होता है बच्चों वजन बढ़ाना, फैट बढ़ाना। सिनोनिम है तीसरा, एंटोनिम पूछते तो लॉस वेट होता। डिसडेन का मतलब होता है स्कॉर्न, घृणा करना। और टू बी रेड का मतलब होता है डांटना, यानी कि स्कॉल्ड। पांचवे का आंसर तीसरा बन जाएगा। फिर आते हैं छह नंबर पे बोर, इसका मतलब होता है बच्चों गंवार या गंवार, या कह सकते हैं बदमाश, बोर। सिनोनिम पूछते ऑफ, सिनोनिम पूछते लाउड, सिनोनिम पूछते रफियन। एंटोनिम बनेगा जेंटलमैन। जो शब्द रह गए थे वो ला रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है ये भी। बर्ली का मतलब होता है तंदुरुस्त, मजबूत। इसका अगर सिनोनिम चाहिए तो स्टर्डी, सिनोनिम चाहिए वेल बिल्ट, सिनोनिम चाहिए ब्रॉड शोल्डर। एंटोनिम बन जाएगा प्यूनी, क्योंकि ये होता है छोटा सा, सूक्ष्म, कमज़ोर सा। सात का आंसर चौथा बन जाएगा। आठ नंबर पे हूँ, द ब्लैंक एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बच्चों ऑन गोइंग होती है, चल रही।
और ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, जैसे ऑन गोइंग पार्टी, चल रही पार्टी, ऑन गोइंग स्कीम, जो स्कीम चल रही हो उस समय, इस तरीके से लग जाएगा। ठीक, बात करते हैं बर्ज ऑनिंग की। तो बर्ज ऑनिंग का जो मतलब होता है वो होता है बढ़ना, ज्यादा बढ़ना। तो बता रहे हैं द बर्ज ऑनिंग एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, यानी कि जो एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बढ़ रही हैं। ये पता सेम किसका सिनोनिम है? प्रोलिफरेट का। इसका सिनोनिम है प्रोलिफरेट, मशरूम, नोट कर लेना इसे, सिनोनिम है इसके ये। तो इससे क्या होगा? इससे एंटरप्राइज में, बिजनेस में मौके बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा मौके। कब बढ़ेंगे? जब विकास हो रहा होगा। श्रिंक इसका एंटोनिम है, श्रिंक होता सिकुड़ना, कम होना, डिक्रीज होना, और डीबेस का मतलब होता नीचा दिखाना, तो इसके लिए बन जाएगा ह्यूमिलिएट। फिलहाल आंसर आठवें का दूसरा हो जाएगा। नौ नंबर पाएंगे केकोफोनस, केकोफोनी, कर्कश होता है ये, तो सिनोनिम बन जाएगा तीसरा कर्कश। एंटोनिम चाहिए तो स्वीट, केलो की बात करेंगे तो ये होता अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड, और शेगरिन की बात करेंगे तो ये नाराजगी होती है, एनोयंस। नोट करें आप इसे। कैनार्ड का मतलब होता है बच्चों धोखा, छल, झूठ। इसका सिनोनिम डिसिट, सिनोनिम डिसेप्शन, सिनोनिम फॉल्स रिपोर्ट, एंटोनिम है फैक्ट, फैक्ट होता सच, सच्ची बात। दस का आंसर चौथा है। ग्यारह की बात करेंगे तो पैलिएट का मतलब होता है आराम पहुंचाना, सिनोनिम पूछा तीसरा, एंटोनिम पूछते तो वर्जन होता, और अपोलोजाइज का जो एंटोनिम होता वो होता फॉरगिव, अपोलोजाइज माफ करना, सॉरी माफी मांगना, और फगिव माफ करना। मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, मैग्नीफाई कर देना, एनलार्ज कर देना। 11 का आंसर तीसरा बन जाएगा। फिर आते हैं 12 नंबर पे, इरेसिबल, इरेसिबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। सिनोनिम पूछेंगे तो बनेगा इसका इरिटेबल, एंटोनिम पूछेंगे बनेगा प्लेसिड, ये शांत होता। फैचुअस की बात करेंगे बनेगा सिली, स्ट्यूपिड, सिली स्ट्यूपिड। डिटरमिंड की बात करेंगे दृढ़ निश्चय किया हुआ, रेसोल्यूट। 12 का आंसर तीसरा है। 13 नंबर पाएंगे तो पंक्चिलियस, इसका मतलब होता बहुत ज्यादा सावधान, बहुत सावधान। सिनोनिम चाहिए तीसरा बन जाएगा अल्ट्रा केयरफुल। इंसोलेंट की बात करेंगे तो ये बन जाएगा बदतमीज, ब्रेजन। केयरलेस जो है वो एंटोनिम है लापरवाह। पैथेटिक होता दुखदाई, पैथेटिक दुखदाई, यानी कि मिजरेबल। 13 का आंसर तीसरा हो जाएगा। फिर आते हैं 14 नंबर पे डोर, डोर, ये डाउर, इसका मतलब होता है बच्चों बुरे मिजाजा, बुरे मिजाज का, यानी कि फ्रेंडली नहीं होता। ये सिनोनिम तो पहला है, एंटोनिम पूछेंगे तो गे बन जाएगा, ये सुंदर होता। गे मतलब का मतलब होता पर्सन, खुश, और साइकोफेंड का मतलब होता है चापलूस, यानी कि फ्लैटरर, और प्रिमिटिव होता है प्राचीन, यानी कि बन जाएगा इसके लिए एंसियंट। 14 का आंसर पहला है। 15 की बात करेंगे मैनुमिट का मतलब होता है स्वतंत्र करना, सिनोनिम पूछते तो पहला होता है, एंटोनिम पूछा तो एनस्लेव, ये वर्ब गुलाम बनाना, और सस्पेंड का मतलब होता है किसी को डिसमिस कर देना, जॉब से निकाल देना, और एंड्योर का मतलब होता है टॉलरेट या पुट अप विद, सहन करना। 15 का आंसर दूसरा हो जाएगा। एफलजेंस का मतलब होता है चमक, सिनोनिम पूछते पहला, एंटोनिम पूछा है दूसरा, डलनेस,
एनालिसिस होता है विश्लेषण, पॉसिटिव होती है कमी, शॉर्टेज या स्कार्सिटी। 16 का आंसर तीसरा। 17 की बात करेंगे तो रिवाइल का मतलब होता है बुरा भला कहना, आलोचना करना। सिनोनिम पूछते क्रिटिसाइज, सिनोनिम पूछते सेंसर, सिनोनिम पूछते कंडेम, एंटोनिम लगाएंगे। चौथा प्रेज, शांति, सॉरी प्रेज, तारीफ करना। सार्कस्म, सार्कस्म का मतलब होता है बच्चों मजाकिया, ऐसी कोई बात जिसे देख के पढ़ के आपको हंसी सी आए, आयरोनिक सिनोनिम है इसका। स्प्यूरियस तो काउंटरफिट होता, नकली। सेलियंट होता महत्वपूर्ण, प्रोमिनेंट। रेसिसेंट का मतलब होता टेसिटर्न, कम बोलने वाला। 18 का आंसर तीसरा है। 19 की बात करेंगे, फाल्स झूठा होता, इसका बन जाएगा स्पीशियस, ई वाला। स्पीशियस जो ई वाला ये होता है दिखने में अच्छा लगता है लेकिन होता उसके अंदर कपट है। स्पीशियस का मतलब होता है कंफर्टेबल। और स्ट्रीडेंट का मतलब होता है कठोर, यानी कि स्टर्न। और सक्सिंक्ट तो होता है संक्षिप्त, ये हो जाता ब्रीफ। 19 का आंसर दूसरा है। 20 की बात करेंगे, डॉन्ड स्कल्क का मतलब होता है बच्चों चुपके से काम करना। तो ये कह रहे हैं डॉन्ट स्कल, छिपना होता है ये। डॉन्ट स्कल आउटसाइड द डोर लाइक ए स्पाई, एक जासूस की तरह दरवाजे के पीछे मत छुपो। फिर आते हैं हम स्टाई माई। स्टाई माई का मतलब होता है उलझा देना, उलझन में डाल देना। भी इसका मीनिंग लिखना मत, कल लिखाऊंगा इसका। सर्वाइल की हिंदी लिख लो, ये होता स्लेव, गुलाम, गुलाम जैसा। सेड्यूस का मतलब होता है किसी को लुभाना, यानी कि आकर्षित करना, अपने आकर्षण से उसे सेक्स की तरफ आकर्षित करना, ये होता सेड्यूस करना किसी को। 20 का आंसर जो है वो हमारा पहला बन जाएगा। ये ईडियम से कुछ जल्दी जल्दी आंसर लगा लो इसका। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशियन, संदेह में होना। फिर आगे बढ़ते हैं, टू गैदर रोजेज ओनली, कांटे छोड़ के सिर्फ गुलाब के फूलों की बात करना, यानी कि एंजॉयमेंट करना, तीसरा आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, टेक ए लीप इन द डार्क, रिस्क लेना। फिर जाते हैं टर्न हिज हैंड, देखो अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम में अपने हाथ टर्न कर लेता है इसका मतलब होता अनुकूल बना लेना, अनुकूल बना लेना किसी भी काम के प्रति। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑनेस्टी इज एट ए डिस्काउंट, देखो एट ए डिस्काउंट का मतलब वो तो होगा जो डिस्काउंट में वैल्यू कम हो जाएगी, जिसके अंडर वैल्यूड होता है, यानी कि जहां करप्शन होता है ना, भ्रष्टाचार, वहां ईमानदारी की वैल्यू कम हो जाती है, आंसर तीसरा बन जाएगा। फिर आते हैं ए जेंटलमैन एट लार्ज, ए जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई फिक्स ऑक्यूपेशन नहीं है, कुछ नहीं आवारा घूमता वो, तीसरा आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता व्यर्थ प्रयास, बेकार की खोज, बेकार की प्रयास, चौथा आंसर है। फिर जाएंगे 18 नंबर पे, मेड ए बी लाइन, अगर कहीं पर बी लाइन लगती है तो मधुमक्खियों का कभी आना देखोगे आप, एक जगह पे एकदम से भिन्नाती हुई आती हैं, रश एकदम से आना। फिर जाएंगे एट हिज विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड का मतलब होता परप्लेक्स्ड, उलझा हुआ, जिसे ये नहीं पता कि क्या करना है। फिर आएंगे 30 नंबर पे, द ऑफिसर किक्ड अप ए रो, किक अप ए रो का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना, यानी कि मेड ए ग्रेट फस, बड़ी अजीब सी हालत पैदा कर देना। इससे आगे की बातें कल होंगी, 4 क्लासेस हो रहे हैं हमारी, इसे पूरा करके फिर से बंद कर देंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी 15 सितंबर को, फिलहाल एंजॉय करें भाई आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।